नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। भारत और विश्व के इतिहास में 28 जुलाई का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 28 जुलाई की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। आज के दिन जन्मे महान शख्सियत, प्रसिद्ध लोगों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आजादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 28 जुलाई से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 1540 में इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 ने अपने मुख्यमंत्री थॉमस क्रॉमवेल को देशद्रोह और विधर्म के लिए फांसी दी थी। 1717 में पोशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम ने 5 से 12 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की। 1741 में कैप्टन बोरिंग ने माउंट सेंट एलियास अलास्का की खोज की थी। 1742 में पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किया। 1751 में कार्तली की साम्राज्य ने कीर बिरबुल्ला की लड़ाई में एरकेले द्वितीय के नीचे ताब्रीज खजाने की एक बड़ी सेना को हराया। 1794 को फ्रांसीसी क्रांति मैक्सविलियन डे रिपब्लिकेरे और लुई एंटोइनेट सेंट जस्ट आर्किटेक्ट ऑफ द आतंक पिछले दिन गिरफ्तार होने के बाद निष्पादित किए गए थे। 1821 में पेरू ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। 1821 में ही पेरू स्वतंत्रता की लड़ाई अर्जेंटीना के जनरल जोस डे सैन मार्टिन ने स्पेन से पेरू की स्वतंत्रता की घोषणा की। 1866 में अमेरिका में पैमाइश के लिए मीट्रिक प्रणाली के इस्तेमाल को कानूनी मान्यता दी गई। 1866 में 18 वर्ष की आयु में विनी रिम संयुक्त राज्य सरकार के एक प्रतिमा प्राप्त करने वाले पहले और सबसे कम उम्र के कलाकार बन गए, जो कि अमेरिका के कैपिटल रोटुआ में अब्राहम लिंकन की प्रतिमा थी। 1878 में बर्लिन सम्मेलन के समापन पर रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच बर्लिन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1914 में ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। यहां से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1914 में ही ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के बाद जुलाई अल्टीमेटम के केवल भाग के सर्बिया की शर्त स्वीकार करने के बाद युद्ध की घोषणा की। 1932 में अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने बोनस आर्मी के निष्कासन का आदेश दिया। उन दिग्गजों का एक समूह जो पैसे की अदाई के लिए तत्काल भुगतान की मांग करने के लिए सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रहे थे। 1935 में बोइंग B-17 फ्लाइंग के लिए भारी बमवर्ष विमान, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में किसी अन्य अमेरिकी विमान की तुलना में अधिक बम गिराए, उसने पहली उड़ान भरी। 1957 में जापान के इशिहाया में भारी बारिश की वजह से 992 लोगों की मौत हुई। 1959 में ग्रेट ब्रिटेन में डार्क कोड का प्रयोग शुरू हुआ। 1976 में रिक्टर पैमाने पर कम से कम 8.2 तीव्रता का भूकंप, जो इतिहास में सबसे घातक है, चीन के तांगशान में फैल गया, जिसमें कम से कम 2,40,000 लोग मरे। 1977 में ट्रांस अलास्का पाइपलाइन सिस्टम के माध्यम से पहला तेल वॉल्डेज अलास्का पहुंचा। तो ये थे इतिहास से जुड़े देश और विदेश के अहम पहलू। ऐसे ही इतिहास के अन्य तथ्यों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।